नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं डोनट्स, एगलेस डोनट्स बिना यीस्ट के। घर पर ही मौजूद सामान से हम इन डोनट्स को रेडी करेंगे और ये बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों। और यकीन मानिए, ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट है कि आप इसे एक बार खाएंगे तो बार बार ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 1 कप मैदा, ये हमारे घर में होता ही है। और अब 1 कप मैदा में हम लोग ऐड करेंगे 1/2 कप शुगर, पाउडर्ड शुगर, शक्कर बूरा जिसे हिंदी में बोलते हैं, वो हम ऐड करेंगे। और इसमें हम 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा बोलते हैं, वो ऐड करेंगे। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। और इसे बहुत अच्छे से हम मिला लेंगे। अब हम इसमें दही की सहायता से आटा तैयार करेंगे, गूंथेंगे। दही डालते जाएं और इसे अच्छे से गूंथते जाएं। करीबन 1/2 कटोरी दही जो है इस पूरे आटा गूंथने की प्रोसेस में लगता है। और इस तरीके से हमारा आटा जो है वो तैयार हो जाएगा। अब हम इस पे थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे, बहुत ही हल्के हाथों से। इस पे प्रेशर बिल्कुल नहीं डालना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। बहुत हल्के हाथों से जो है ये काम हमें करना है। और ये अब हमारा डो रेडी है। और अब हम इसे एक कॉटन के कपड़े से ढक कर रख दें। जी, तो कुछ इस प्रकार से इसको हमें अच्छे से कपड़े से ढक कर 1 घंटे के लिए किसी गर्म स्थान पर रखना है। एक नॉर्मल जगह पे भी आप रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप बस ढक के 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटा नहीं तो कम से कम 1/2 घंटा ज़रूर लें। अब जब तक वो रखा है तब तक हम हमारा सिरप रेडी कर लेते हैं, जिसमें हमें डोनट को डिप करना है। इसके लिए मैंने चॉकलेट्स का इस्तेमाल किया है, डेरी मिल्क और मिल्की बार, वाइट चॉकलेट एंड ब्राउन चॉकलेट। तो अब हम इन्हें तोड़ के इसमें जो है हमारा गरम गरम दूध इसमें ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा, और थोड़ी देर के लिए इन्हें रख देंगे। थोड़ी देर बाद ये अपने आप मेल्ट हो जाएगी और हमारा जो है लिक्विड पेस्ट चॉकलेट का जो है वो रेडी हो जाएगा, जिसमें हम डोनट को फाइनली डिप करेंगे। मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मुझे वाइट चॉकलेट एग्जैक्ट जो मुझे चाहिए था मुझे नहीं मिला, तो मैंने वो हटा दिया। वो जो मिल्की बार है उसमें हल्का सा ब्राउनिश कलर है जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं चॉकलेट से ही बनाती हूँ। अब 1 घंटे बाद हमारा ये जो डो है ये हम देखते हैं, तो ये पूरी तरीके से तैयार है। अब हम जो फ्लोर है जिस पे हम गूंथने वाले हैं उसको डस्ट कर लेंगे मैदा से, और जो हमने लोई बनाई है उसको बेलेंगे। थोड़ा मोटा रखना है इसे और बहुत सॉफ्ट हाथों से बहुत जेंटली जो है हमें बेलना है। ताकत इसमें बिल्कुल भी नहीं लगानी है दोस्तों। देखिए इस तरीके से इसे बेलना है। थिकनेस में भी आपको दिखा दूंगी कि आपको एटलीस्ट कितना थिक इसे रखना है, क्योंकि थोड़ा सा मोटा ही हमें इसे रखना है। ये देखिए इतना थिक जो है हमें इसे रखना है। अब जो भी ढक्कन हमारे घर में मौजूद होते हैं, एक बड़ा ढक्कन और एक छोटा ढक्कन, उसकी सहायता से हम इसे कट करेंगे। मैं दिखा देती हूँ मैंने कौन से ढक्कन का इस्तेमाल किया है। जी ये देखिए इस तरीके से एक बड़ा ढक्कन मैंने यूज़ किया है और एक छोटा ढक्कन। हम इसे अच्छे से दबा के काट लेंगे और अलग कर लेंगे, और बीच में भी हम एक छोटे ढक्कन से बीच में एक होल बना लेंगे। और इस प्रकार से ये जो है हमारा रेडी है। और सारे के सारे आटे की हम इस प्रकार की पूरियां या डोनट्स बना के रख लेंगे। फिर से हम आटा लेंगे और थोड़ा मोटा ही बेलेंगे। मैं फिर से थिकनेस आप लोगों को दिखा देती हूँ समझने के लिए एक बार। बस ये इतना काफी है। देखिए इतना मोटा रखना है इसे। हाँ जी, अब हम इसे कट कर लेंगे। ये हमने इसे कट किया और सेंटर में भी कट किया। और ये हमारे सारे डोनट्स हम एक एक करके इस तरीके से बना लेंगे। अब हम इसे मीडियम आंच पे, मध्यम आंच पे
मीडियम फ्लेम पे इसे हमें तलना है। गोल्डन गोल्डन कलर का ये हो जाए तब तक हमें इसे तलना है। सभी को हम एक एक करके तल लेंगे। ये देखिए हमारे सारे डोनट्स कितने परफेक्ट और कितने शानदार डोनट्स हमारे रेडी हुए हैं। अब हम इसे डिप करेंगे उस चॉकलेट सिरप में जिसे हमने रेडी किया था। ये काफ़ी गाढ़ा है, थोड़ा गाढ़ा ही है ताकि ये इसमें अच्छे से रहे। इसमें हमें एक साइड से डिप करके और इन्हें रख देना है। सभी को एक एक करके हम एक साइड से डिप करेंगे और रखते जाएंगे। और ये देखिए हमारे डोनट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद आप इसे जैसे चाहें उस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो जो चॉकलेट्स होती है डेरी मिल्क वगैरह जिसे हमने अभी मेल्ट किया था, वैसे ही एक चॉकलेट बचा लीजिए, मिल्की बार बचा लीजिए, उसे अच्छे से क्रश कर दीजिए, कद्दूकस कर लीजिए और उसे ऊपर से लगा दीजिए जैसे कि मैं अभी ये लगा रही हूँ सेम इस तरीके से। ये बहुत ही टेस्टी, मैंने मक्खन और शक्कर को मिला के ये बनाया था और एक पन्नी में डाल के मैंने इस तरीके से इसे डेकोरेट कर दिया है। जैसे मेहंदी का कोन बनाते हैं तो मैंने एक नॉर्मल पन्नी में एक कोने में डाल के और कट करके इसे बना दिया था। ये खाने में बहुत टेस्टी लगा मुझे इसका टेस्ट। ये देखिए कितना शानदार परफेक्ट यमी डोनट्स बनकर घर में रेडी है। और कुछ भी एक्सेस सामान की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी जो हमें आसानी से मार्केट में ना मिल सके। बिल्कुल परफेक्ट और यमी डोनट। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक डोनट तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है और बिल्कुल आसानी से टूट गया, अंदर से भी प्रॉपरली पक चुका है और बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका। ये बनकर रेडी है दोस्तों। इस रेसिपी को ज़रूर अपने घर पे ट्राई करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।